आप देख रहे हैं आवाज जनता की। विश्व योग दिवस के मौके पर मंगलवार को केंद्रीय कारा गया में योग कराया गया। पतंजलि प्रशिक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा तथा महिला वार्ड में डॉक्टर अर्चना वर्मा, डॉक्टर सुरभि रंजन के नेतृत्व में सभी महिला और पुरुष कैदियों ने योग के कई आसनों का सफलतापूर्वक पालन किया। मौके पर जेल अधीक्षक विजय कुमार अरोड़ा ने उपस्थित कैदियों को संबोधित करते हुए कहा, विश्व योग दिवस भारत की देन है जिसे आज पूरे विश्व में मनाया जाता है। अरोड़ा ने कहा कि 8 वर्ष पहले इसे वैश्विक दर्जा मिला, तब से प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे जेल के सभी बंदियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग का सराहनीय अभ्यास किया और मैं सभी कैदियों को बधाई देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब से ये बाहर जाएंगे तब से ही योग अभ्यास उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काफी सहायक होगा। जेल अधीक्षक ने सभी से कहा, निरोग रहने के लिए प्रतिदिन योग करना जरूरी है। उन्होंने योग प्रशिक्षक के द्वारा बताए आसनों को प्रतिदिन स्वयं से करने की सलाह दी। जेल उप अधीक्षक रामानुज राम ने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा, योग का हमारे जीवन में काफी महत्व है। शरीर के सामंजस्य और शांति के लिए योग जरूरी है। नियमित योग से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, वहीं योग मन को शांत रखता है। उन्होंने आमजनों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हुए स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने की अपील की। उन्होंने बंदियों से कहा, योग करने के कई फायदे हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी है। उन्होंने स्वयं योग करने और दूसरों को योग करने के लिए प्रेरित करने को कहा। इस अवसर पर शहर के सभी गणमान्य अतिथि, जैन समाज के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, जेल उप अधीक्षक सतीश सिंह, सहायक अधीक्षक रघुवेंद्र सिंह, डॉक्टर देवानंद प्रसाद, डॉक्टर रोशन कुमार, सिद्धार्थ गौरव, अन्य सभी गया केंद्रीय कारा में आयोजित योग शिविर में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई है। आज केंद्रीय कारा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बहुसंख्यक बंदी भाई और हमारे पतंजलि के योगाचार प्लस हमारे और भी अतिथि शामिल हुए। हम सभी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया और ये आयोजन काफ़ी सफल रहा है। इससे बंदियों के बीच भी योग करने की प्रेरणा जाती है और बंदी जो हैं, जो कि कारागार में रहते हैं, वो अपने आप को मानसिक रूप से भी अपने आप को सुदृढ़ करते हैं। और इस कार्यक्रम का जो विशेष लाभ है कि बंदी जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो वो अपने आप को एक नए रूप में पाएंगे। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, ताकि बंदी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मैं विजय कुमार अरोड़ा, अधीक्षक केंद्रीय कारा गया।